रिपब्लिकन अघाड़ी लोकशाही मोर्चा की ओर से संविधान चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन किया गया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षण, हेल्थ का निजीकरण के साथ साथ एक वार्ड और मनपा चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग किया जाए आदि विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशा गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन, CITU, भारतीय कम्युनिस्टवादी जिला काउंसिल नागपुर और रिपब्लिकन अघाड़ी लोकशाही मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित आंदोलनकारियों ने संवाददाता संजय मीरे इनसे बातचीत की है। पेश है संविधान चौक से ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसेंटकिटी संविधान चौक में जहां पे रिपब्लिकन आघाड़ी लोकशाही मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर घोषणाबाजी करते हुए भव्य आंदोलन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। इस समय में हमारे साथ में जिला सचिव अरुण लाटकर जी है जो कि कॉमरेड है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। लाटकर जी, ये पता कि जिस प्रकार से आज ये जो भव्य मोर्चा जो निकाला जा रहा है, जो आंदोलन जो किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, ऐसी क्या बात है कि जिसके चलते केंद्र सरकार के खिलाफ आज आप पूरे ज़िले में इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हो? ये आंदोलन केवल ये ज़िले में नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। और ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन केवल आप सोच रहे होंगे कि एक दो पार्टियों का आंदोलन नहीं है, इसके अंदर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल सेकुलर, उसके बाद आपका रिपब्लिकन आघाड़ी, SUCI, ये सब पार्टियां इसके अंदर शिरकत कर रही है। बड़ी संख्या में आप आशा वर्कर भी देख रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो मांगे हैं, खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी की मांगे, ये दोनों के दोनों मांगे आम जनता को आज सता रही है। और एक तरफ में कभी कर्मचारियों का भत्ता 100 रुपये बढ़ता होगा तो हमारा तेल जो है वो 100 रुपये से 200 रुपये बढ़ रहा है। ये खेल मोदी सरकार सबके साथ कर रही है, इसलिए आम जनता भी नाराज है, उसके साथ में कर्मचारी भी नाराज है, मजदूर भी नाराज है। ये है मुख्य बात। बेरोजगारी की दर जो है वो 24% तक के पहुँच गई है। और हाल ही में जो एक वर्ल्ड के नेताओं की मीटिंग हुई, वो मीटिंग के अंदर में यह कहा गया है कि यह कोरोना महामारी के दौरान हुआ ऐसा है कि हर 30 घंटे के अंदर में एक बिलीनियर बढ़ते गया, और उसके साथ ही हर 30 घंटे के अंदर में 10 लाख लोग बेरोजगार होते गए। ये सब बातें आपको करने के लिए आज का ये प्रदर्शन आयोजित किया जाए। सर, ये बताए कि यदि आपकी मांगों को यदि केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया या आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आपका ये जो लोकशाही आघाड़ी जो मोर्चा जो है, ये किस प्रकार की रणनीति अख्तियार करेंगे आने वाले दिनों में? पूरे देश में एक हफ्ते का ये एक आंदोलन चला कि मोदी सरकार को 8 साल हो गए, विकास के नाम पर आने वाली मोदी सरकार ने देश को विनाश के कगार पर लेकर चली गई है। 98% परिवारों की आय कम हो गई है, इतनी गरीबी पिछले 70 साल में कभी नहीं हुई है। ये संदेश हम लोगों के पास लेकर जाना चाहते हैं। इस देश का हर बाशिंदा इस महंगाई से परेशान है, हम इस परेशानी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, मुंबई से कलकत्ता तक हर आदमी इस महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगा, हमारा प्रयत्न यही रहेगा। हमारा ये जो आज निदर्शन है, ये महंगाई के खिलाफ में है, उसके साथ साथ में आने वाले दिनों में जो नागपुर में जो मनपा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो वो बैलेट पेपर से किया जाए, वार्ड पद्धति से किया जाए, ये हमारा कहना है। आज का जो प्रदर्शन है ये भारी तादाद में हुआ है, इसके बाद में अगर नहीं करते हैं तो तीव्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल तीव्र आंदोलन करके ऐसा इनका मानना है। इस समय में हमारे साथ में इस कुछ आशा गट प्रवर्तक के महिलाएं बड़ी संख्या में है, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, आप बताइए किस लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना चाहती हो? आज हम यहाँ पे है वो महंगाई के विरोध में है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा 1050-60 तक सिलेंडर गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आम आदमी बहुत ही परेशान है। ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारी आम जनता की सुननी चाहिए और दाम कम करने चाहिए, इसलिए हम यहाँ आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी? हम तो यही चाहेंगे, मांगे यदि पूरी नहीं होंगी तो हम आंदोलन करेंगे, और वो भी आंदोलन बहुत तीव्र करेंगे। इसलिए जनता को, यानी उन्होंने क्या बोलते, वो आश्वासन दिया है कि हम महंगाई कम करेंगे,
गैस के भाव कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, लेकिन आज भी जनता बहुत त्रस्त है इसको लेकर, और गरीब जनता तो और भी है। तो इसलिए ये महंगाई कम होनी चाहिए, सरकार ने जो वादा किया है वो वादा निभाना चाहिए, सरकार ने जो वादा किया है वो निभाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आप क्या कहोगे? सर, एक तरफ शासन लॉकडाउन में जो लोगों को राशन में फ्री में दे रही थी, अपना नाम बढ़ा चढ़ा के रूप बताती थी कि मैंने लोगों को, मतलब हमने लोगों को इतना बड़ा, मतलब जो धान्य है, गेहूं चावल जो लग रहे थे वो धीरे, मतलब उन्होंने फ्री में दिया है कुछ कम बजट में, और इधर ईंधन के जो भाव है, पेट्रोल भाव, पेट्रोल के जो दर है, इतने बढ़ा दिए, आसमान को छूने लगे कि गरीब जनता तो मतलब फ्री में क्या दे रहे हैं आप, उधर से तो इतनी बड़ी अमाउंट आप ले रहे हैं, तो कुछ क्या मिल रहा है हमें, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये इतनी सारी महंगाई जो बढ़ा के रखी है, पूरा शिक्षण का बेरोजगार, मतलब इन्होंने व्यापारीकरण करके रखा है, कहाँ कहाँ गरीब जनता बचाएंगे और आगे में क्या अपना बच्चों का वो फ्यूचर बना सकती है, क्या है ये सब चीज़ें, ये जो चल रहा है देश में, इन सभी चीज़ों पर गौर करना चाहिए। वो सरकार जो बताती है अपनी चीज़ों पर, 2014 में मोदी सरकार आने के पहले उन्होंने जो जनता से उन्होंने जो अपील किया था कि हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं, तो क्या दे रही सरकार, ये तो सब झूठे वादे सर, झूठे वादे, बस कुछ नहीं है। महंगाई जो इतनी तेजी से बढ़ रही है उसके लिए हमने आज ये निदर्शन और जारी किए हैं। वैसे उस दिन हम कमल चौक में भी निदर्शन किए थे, जो वादा मोदी सरकार आने से पहले किए थे, बड़े बड़े वादे, गरीब जनता को बहलाने फुसलाने के लिए, वो वादे पे पूरे खरे नहीं हुए हैं, इसलिए हमको उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। आम जनता इतनी तड़प रही है मोबाइल के जरिए से, पेट्रोल के जरिए से, सब दाम बढ़ाए जा रहे हैं, अनाज सस्ता दे के उनको अनाज महंगा करने का ये दावा किया है उन्होंने, महंगा कुछ भी, सब महंगा ही है, कुछ नहीं दे रहा है, फुकट कुछ भी नहीं है, ऐसा सस्ता ऐसा फुकट वगैरह कुछ भी नहीं है, उसके दाम वो बढ़ा चढ़ा के ले रहे हैं। सब जनता ऐसी गंभीर गंभीर परिस्थिति में हो रही है, उनका ऐसा कहना है, और आम जनता का तो बहुत ही हाल हो गया है, स्कूल दर्जा बंद हो गया है, स्कूल की जो पढ़ाई हो रही थी वो भी दर्जा कम हो। बिल्कुल, इस तरह के कई ऐसे इन्होंने मांगे रखी है केंद्र सरकार के सामने में, जिस प्रकार से पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर शिक्षा को लेके जो एक बढ़ता हुआ दायरा जो नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो, महंगाई खास तौर पे कम हो, बेरोजगारी का जो आलम है वो कम हो, रोजगार देना चाहिए। जब से ये केंद्र सरकार आई है इन्होंने देश में ऐसे कोई भी अच्छे काम नहीं किए हैं जो जनता के हित में है, और इसके लिए जनता सड़क पे उतरी है, ऐसा आज के यहाँ पे जितने लोग आए हुए उन सब लोगों का यही कहना है। अब देखना ये होगा क्या केंद्र सरकार आने वाले दिनों में महंगाई के ऊपर में रोकथाम कर पाते हैं, या फिर सरकार का ढाक के तीन पांच जैसा ही कामकाज चलता रहेगा। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज़ नागपुर।